हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई क्रीम की। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में प्रीति नाम की एक लड़की रहा करती थी। प्रीति जब केवल 10 साल की थी तब उसके माता पिता उसे छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद से वो जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने का काम करने लगती है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे, जिससे वो अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और दो समय की रोटी का इंतजाम कर लिया करती थी। प्रीति शांत और सुशील लड़की थी, लेकिन उसका रंग काला था, जिस वजह से गांव की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी। अरे देखो देखो, लगता है काली बिल्ली सर पर लकड़ियां लेकर आ रही है। मुझे तो इसको देखकर घिन आती है। पता नहीं ये इतनी काली होने के बाद कैसे रह लेती है। मैं तो किसी के ताने सुन सुन के मर ही जाऊं। हाँ तानिया, तू बिल्कुल सही कह रही है, मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसको देखने के बाद तो मुझे उल्टी आती है। प्रीति किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। एक दिन जब लकड़ियां काटने के लिए प्रीति जंगल जा रही होती है, तभी उसे पड़ोस की लड़की जख्मी दिखाई देती है। तभी प्रीति उसकी मदद करती है और उसे सहारा देकर उसके घर तक ले जाती है। इसी तरह प्रीति सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। उसके स्कूल में भी उसके साथ की सभी सहेलियां दूर रहती थी। वो सब साथ में खाना खाती और पढ़ती, लेकिन प्रीति को कोई भी अपने साथ नहीं रखता था, इसीलिए प्रीति हमेशा अकेली रहती थी। एक दिन प्रीति जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती है, तभी लकड़ियां काटते समय उसके हाथ में लग जाती है और वो जोर जोर से रोती है और बोलती है, हे भगवान, मेरे माता पिता तो नहीं है, मैं जैसे तैसे करके अपना गुजारा करती हूँ। वैसे भी मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरे काले रंग की वजह से मेरे साथ कोई खेलना या बैठना भी पसंद नहीं करता। प्रीति अपने आप से बोलकर ऐसे रो रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है। कौन है, किसकी आवाज आ रही है? इतना बोलकर प्रीति इधर उधर देखती है, लेकिन उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। मत रो प्रीति। तभी प्रीति नीचे देखती है तो उसे एक बोलने वाली जादुई क्रीम दिखती है। प्रीति, तुम एक अच्छी और नेक दिल लड़की हो और तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, इसीलिए मैं तुमसे खुश होकर तुम्हारे पास आई हूँ। क्रीम को बात करते देख प्रीति हैरान होती है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सचमुच कोई क्रीम बोल भी सकती है क्या? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। मेरे काले रंग की वजह से मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता और मुझसे कोई बात नहीं करता। सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझ पर हंसते हैं। अगर मैं काली नहीं होती तो स्कूल में मेरे भी दोस्त होते, सभी लोग मुझसे बात भी करते। कोई बात नहीं प्रीति, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जिसके बाद तुम बिल्कुल सुंदर और आकर्षित हो जाओगी। प्रीति उस क्रीम को अपने साथ अपने घर ले जाती है। तभी उस क्रीम से आवाज आती है, प्रीति रोजाना तुम क्रीम लगाना, जिसके बाद धीरे धीरे तुम सुंदर और आकर्षित हो जाओगी। और अभी तुम अपने हाथ पर ये क्रीम लगा लो, इससे चुटकियों में तुम्हारी चोट भी सही हो जाएगी। क्रीम के इतना बोलने के बाद प्रीति अपने हाथ पर क्रीम लगाती है, जिसके बाद चुटकियों में उसकी चोट ठीक हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रीति उस क्रीम से बात करने लगती है। पता है क्रीम, आज मेरी टीचर ने क्लास में टेस्ट लिया था, जिसमें मुझे 10 out of 10 मिले हैं। अरे वाह, तुम तो पढ़ाई में भी कितनी अच्छी हो। लेकिन किसी ने मेरे लिए तालियां नहीं बजाई और मेरा क्लास में कोई दोस्त नहीं है। मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए, जिससे मैं अपनी सभी बातें शेयर कर सकूं। प्रीति, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हो और मैं तुम्हारी पढ़ाई में भी मदद करूंगी। जिसके बाद जादुई क्रीम की मदद से प्रीति सुंदर हो जाती है और पढ़ाई लिखाई में भी आगे हो जाती है। इस तरह प्रीति को इतना सुंदर देख कर आस पड़ोस की सभी लड़कियां प्रीति से बात करना चाहती थी और स्कूल में भी सभी उसका दोस्त बनना चाहते थे। क्या बात है प्रीति, तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने आप ये सब कुछ हो गया। प्रीति किसी को भी जादुई क्रीम के बारे में नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ लड़कियाँ बोलती है, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि प्रीति अपनी खूबसूरती का राज हमें नहीं बताना चाहती। मुझे लगता है इसके हाथ में कोई जरूर बड़ी चीज लगी है, जिसकी मदद से ये इतनी सुंदर हो गई। इस तरह से वो लड़कियां तरह तरह की बातें बोलती है, जिसके बाद उनमें से एक लड़की चेतना इस बात का पता लगाने के लिए प्रीति पर हमेशा नजर रखने लगती है। एक दिन जब प्रीति जादुई क्रीम से बात कर रही थी, तब खिड़की से चेतना उसे ऐसा करते देख लेती है। ओ
बोलने वाली क्रीम, ये तो बिल्कुल चमत्कार लग रहा है। अच्छा तो ये बात है, इस जादुई क्रीम की वजह से प्रीति इतनी गोरी और सुंदर हो गई है। मुझे कुछ ना कुछ करके इस क्रीम को चुराना होगा ताकि मैं इस दुनिया की सुंदर और आकर्षित लड़की बन जाऊं। उस जादुई क्रीम को देखने के बाद चेतना उसे चुराने का मन बना लेती है और रात होते ही वो चुपके से प्रीति के घर में घुस जाती है और जादुई क्रीम की जगह सामान्य क्रीम रख देती है और वो जादुई क्रीम लेकर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जब प्रीति उस क्रीम से बात करती है तो वो क्रीम कोई जवाब नहीं देती। अरे ये क्या हो गया, जादुई क्रीम ने बोलना बंद कर दिया, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ जब चेतना वो क्रीम लगाती है तो काली हो जाती है। अपने आप को काला और बदसूरत देख वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरे चेहरे को क्या हो गया, लगता है प्रीति ने मुझे बेवकूफ बनाया है, अब तो मैं बाहर बिल्कुल नहीं जा सकूंगी। इतना बोलकर चेतना जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद चेतना की रोने की आवाज सुन प्रीति उसके घर आती है और बोलती है, चेतना तुम्हें मेरी जादुई क्रीम का इस्तेमाल करना था तो मुझसे मांग लेती, तुम्हें चुराने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे माफ कर दो प्रीति, मुझे पहले की तरह सुंदर बना दो, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं रह सकती हूँ। चेतना को इतना रोता हुआ देख प्रीति उसे माफ करती है और जादुई क्रीम से कहकर उसे ठीक कर देती है, जिसके बाद जादुई क्रीम की मदद से चेतना ठीक हो जाती है। प्रीति, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। प्रीति, आज तुम्हें अच्छे स्वभाव और नेक दिल होने की वजह से तुम्हें दोस्त मिल गई, मुझे खुशी है अब तुम्हारी दोस्त तुम्हें मिली और तुम सुंदर हो गई, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर जादुई क्रीम वहां से चली जाती है, जिसके बाद चेतना और प्रीति एक दोस्त बन जाते हैं और वो स्कूल में अच्छे से पढ़ते लिखते हैं, जिसके बाद प्रीति अपनी दोस्त चेतना के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट कर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।